ब्लॉग बाय वितांशु रॉय. सो वेरी गुड मॉर्निंग एंड मैं हो गई हूँ बहुत जल्दी रेडी क्योंकि मुझे अब निकलना है. एंड मैं कहाँ जा रही हूँ अब मैं आपको बताती हूँ. मैं जा रही हूँ जिम कॉर्बेट एंड कैब आने वाली है. सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द कैब टू अराइव. एंड देखो कितना प्यारा सा लग रहा है यहाँ पे. सो अभी मैं यहाँ से चेकआउट करके निकल रही हूँ. एंड आई डोंट नो कैसा होने वाला है ये ट्रिप क्योंकि मैं मेनली जा रही हूँ सफारी के लिए. सो चलो गाइस कैब आता है इसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, लव यू. सो हियर जर्नी बिगिंस. विदाउट एनी फ्रेंड्स और एनी वन तो ये वाला सिचुएशन होता ही है. और देखते हैं कैसा जर्नी रहता है. वहाँ पहुँच के आपको अपडेट करते रहते हैं. तो बहुत सारे शिवा ढाबा है ना, तो ये अच्छा वाला कौन है, कौन से किसे पता चलेगा आपको पता है? ओके इतना प्यारा सा लग रहा है, पूरा फॉगी फॉगी सा हो रखा है हर जगह. गाइस ये है शिवा ढाबा, यहीं पे सोचा मैंने कुछ खा लेते हैं, देखते हैं क्या ऑप्शंस अवेलेबल है. अरे स्टार्ट ही हुआ, इट्स टू अर्ली. अच्छा इसका सेटअप अंदर भी है. ओह वाओ इट्स नाइस. ये है गोभी का पराठा, इसमें स्टफ्ड है और एक है अनियन. यस और इसके साथ इन्होंने दिया है चटनी, सम पिकल्स, मीठी वाली भी है और खट्टी वाली भी है. ये है यहाँ का लस्सी केसर वाली जो कि बहुत ही टेस्टी है. थैंक यू गाइस, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, यहाँ का चटनी बहुत अच्छा है. मैंने बोला मुझे थोड़ा सा पैक करके आप दे दो, बोले हाँ दे रहे हैं, जल्दी देना. हाँ कुछ चीज़ इतनी टेस्टी लग जाती है ना कि ना लाइक अच्छा लगता है कि अपने साथ लेके जाओ. मैंने बस धूप सी आ रही है, आराम से बैठे खा रही हूँ मैं. चलो गाइस कैब वाले भैया वेट कर रहे हैं तो निकलते हैं. गाइस देखो इतने स्वीट इन्होंने मैंने चटनी भी दिया. फ्रेशनर ये बचे 3 hours और ये है यहाँ का हाईवे. सच बताऊँ तो नींद बहुत आ रही है बट सोने का मन नहीं कर रहा है. ये टिश्यू मेरे हाथों में है, ट्राई करती हूँ. गाइस हम पहुँच गए मुरादाबाद, मैं तो सो भी गई थी एंड काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन यहाँ पे दिख रहा है वैसे तो. थोड़ी देर में हम एंटर कर जाएंगे फॉरेस्ट के अंदर. इट्स जस्ट लाइक 1.20 मिनट्स इज रिमेनिंग. गैस करो ये सामने वाले केन में क्या जा रहा है, क्या हो सकता है भैया इसमें? दूध? अच्छा, और उसके आगे जा रहा है गन्ना. इतने गन्ने होते हैं मुरादाबाद में. सारा गन्ना है. सीएनजी भर रहा है. अपने लोकेशन पे द रिवर एज रिसॉर्ट. बाहर से तो अच्छा दिख रहा है, अंदर जाके देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है. ये है इनका रिसेप्शन कॉर्नर. And it looks like this. Okay. ये बहुत अच्छे से वुडन पे लिखा है इन्होंने. ये खुलता है? खुल जाएगा. Okay. किधर जाना है लंच के लिए? Okay, okay. Wow, the view is nice. Guys, finally at the location. But really, really tired and exhausted completely. चलो लंच करते हैं आते के साथ. एंड यहाँ पे लंच कर सकते हैं. एंड ये है हमारा वेलकम ड्रिंक. मीठा है बहुत ज़्यादा क्या? मैं हमें बताओ लाइक कि जो आपने सर्व करा है बुराज. ओके, तो ये बहुत क्या होता है? अच्छा, ये उत्तराखंड का लोकल फ्लावर है. ओके, पीने में तो रुआबजा टाइप लग रहा है मेरे को, बट रुआबजा नहीं है. चलो ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वेलकम ड्रिंक. सो गाइस, मैं यहाँ पे आ गई लंच करने के लिए. एंड देखते हैं यहाँ का लंच कैसा है. सो आई एम जस्ट वेटिंग टू टेस्ट द फूड ऑफ उत्तराखंड. सो जरूर फीडबैक दोगे. वेट कर रही हूँ मैं लंच आने का. आते के साथ इन्होंने हमें लंच सर्व करा. दैट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि हम लंच टाइम पहुँच भी गए थे. इन्होंने मतलब आप लाइक बाकी चीज़ें बाद में करना, बस आप फॉर्मेलिटी बाद में करना, खाना पहले खा लो. सो एंड हमारा लंच आ गया है. ये दाल है, पनीर, स्टीम्ड राइस, हाँ नॉन वेज, चिकन मसाला, रायता. ओके, एंड दिस इज मिंट पोटैटो. ओके, और भी कुछ है? इतना कुछ है? रोटी, तवा रोटी, बटर भी दे सकते हो आप, आपको जो ठीक लगता है. लंच मेन्यू है आज का. दिया है एज अ स्वीट डिश साबूदाने की खीर. ट्राई करके देखते हैं कैसा है साबूदाने का खीर. बहुत अच्छा लग रहा है देख के तो. पूल भी मिल गया, मेरा फेवरेट पूल. यार कल तो पूल जाएंगे, बट स्विमिंग कॉस्ट्यूम लाए नहीं है. सो यहाँ मिल जाता है वैसे जिम कॉर्बेट में, सो टेंशन है नहीं. एंड इधर होने वाला है, अरे वाओ, नेम तो सोना नदी विला. ओ वाओ, नेम तो बड़े अच्छे हैं. यही है हमारा? ओके नाइस, चलते हैं फिर. देखो कंप्लीट फुल ऑफ लश ग्रीनरी. एंड ये रूम दे रखा है फ्रूट्स एंड सम कुकीज. इसका कोई काम नहीं है स्ट्रे का हमारे पास, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें नहीं करती हूँ, स्मोक एंड ऑल. सो दिस इज अ सेक्शन. चलो मैं आपको देती हूँ इस होटल का, विला का, और आप रिजॉर्ट कुछ भी कह लो, उसका रूम टूर.
एंड ये है रूम नंबर, जिस तरीके से इन्होंने मेंशन करा है दैट्स रियली नाइस। सो चलो अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको। सो ये है मेरा रूम। वाओ देखो कितना प्यारा लैम्प है। ये है बेड और यहाँ पे लगे हुए हैं कर्टेंस। इसके बाहर का व्यू और अच्छा है। बालकनी नहीं है यहाँ पे, बट ग्रीनरी है, आप पर्दे हटा सकते हो। एंड यहाँ पे मिरर, कबर्ड, वॉशरूम। वॉशरूम मेरी नॉर्मल है, बट रूम आप देखो कितना अच्छा, ऊपर वुडन वगैरह सब कुछ इन्होंने कर रखा है। अच्छा इधर से बालकनी नहीं आई, गेस इधर है। ओके ये बंद कहाँ से हो रखा है, नीचे से? यस। ओ वाओ दिस बालकनी इज़ वेरी नाइस। सो ये व्यू है यहाँ पे बालकनी का, अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। हे गाइस, सो ये स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा हो चुका है एंड मैं सोच रही हूँ चेंज करने का एंड दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, जिसमें अगर कहीं बाहर जाती हूँ तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि आसपास क्या है जिम कॉर्बेट में। सो वो चीज़ें मैं आपको कवर करूँगी नए ब्लॉग में। सो इस ब्लॉग को आप बहुत सारा प्यार देना एंड लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय गाइस, लव यू ऑल। एंड आप बताना कि आपको ये प्रॉपर्टी कैसा लगा। ओके okay?